अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट मीनिंग एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म। जी, बुक 10 है, इसका टेस्ट नंबर 3 और सेक्शन नंबर 1 है। चलिए जी, हम बात करते हैं। पहले पैराग्राफ में ए में ट्रैवल हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द बिगनिंग ऑफ टाइम, यानी इसमें थोड़े से सफ़र की मुख्तसर सी तारीख के बारे में बताया जा रहा है कि शुरू शुरू में रोमन ईरास के अंदर क्या हुआ करता था। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रैवल जो है वो वहाँ पे मौजूद थी शुरू शुरू में, जो इब्तदाई आदमी था, प्रिमिटिव मैन, जब उसने सफ़र स्टार्ट किया तो उसने बहुत ज़्यादा सफ़र यानी ग्रेट डिस्टेंसेस तय किए इन सर्च ऑफ गेम। गेम यहाँ पे मतलब शिकार, शिकार की तलाश में। तो इस तरह वो फूड और क्लोथिंग वगैरह उसको ढूंढने के लिए, जो कि उसके ज़िंदा रहने के लिए मतलब था ज़रूरी, उसको ढूंढने के लिए उसने ट्रैवलिंग की। तो गेम के बाद चूंकि कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट टू वर्ड्स हैं वो इससे मुतल्लिक हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो इस दौरान हिस्ट्री के दौरान लोग मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से ट्रैवल करते रहे। ट्रेड की रीज़न्स थी, रिलीजियस रीज़न्स थी, उसके अलावा कन्विक्शन थी, इकोनॉमिक गेन यानी कि मुआशी तरक्की चाहते थे, जंगों की वजह से भी ट्रैवलिंग होती रही, माइग्रेशन करते रहे और एंड अदर इक्वली कंपेलिंग मोटिवेशंस, और इसी तरह की जो मोटिवेशंस थी जो कि उनके सफ़र का सबब बनी। रोमन इरा के अंदर जो अमीर एस्ट्रोकैट्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, वो ट्रैवल्ड फॉर प्लेयर्स, जो कि खुशी के लिए ट्रैवलिंग उन्होंने की। तो सी साइड रिजॉर्ट्स वगैरह भी मौजूद थी, पोम्पाए के नाम से एक जगह है वहाँ पे, और उसके अलावा ये लिखा हुआ है कि और दूसरा हरक्यूलेन अफोर्डेड सिटीजन्स द अपॉर्चुनिटी टू एस्केप टू देयर वोकेशंस। अब वो रूम के अंदर जो गर्मी हुआ करती थी, तो वहाँ से उसमें बचने के लिए वहाँ पे उन रिजॉर्ट्स पे आया करते थे। अच्छा, ट्रैवल के बारे में बात ये की जा रही है कि डार्क एजेस के अलावा, एक टाइम पीरियड है हिस्ट्री के अंदर जिसे डार्क एज कहते हैं, डार्क एजेस के अलावा ये जारी रही और आगे बढ़ती रही पूरे हिस्ट्री के अंदर, और इसकी वजह से हैज़ प्लेड वाइटल डेवलपमेंट इन सिविलाइजेशन, यानी इंसानी तहजीब में भी और उसकी इकॉनमी भी तरक्की हुई। ये ए में ये, लेकिन ये शुरू शुरू की बात की जा रही है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम बी पैराग्राफ में टूरिज़्म का वर्ड यूज़ हुआ है, और टूरिज़्म एक जनरल टर्म के हिसाब से अगर हम देखें आजकल, तो ये 20वीं सदी का फिनोमेना, यानी टूरिज़्म 20वीं सदी के अंदर इसकी बात की जाती है। अब फिनोमेना क्या चीज़ है? फिनोमेनन इज़ बेसिकली एक ऐसी चीज़ जो फुली अंडरस्टैंडेबल ना हो, ठीक है ना, उसमें थोड़ी सी एम्बिगुइटी हो लेकिन लोग उसको समझते हो, फुली अंडरस्टैंड, उसे हम फिनोमेना कहते हैं। जिस तरह ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फिनोमेनन, तो इसी तरह टूरिज़्म भी जो है ना, ये एक फिनोमेनन है। हिस्टोरियन ये बताते हैं कि मैस, जब बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिज़्म स्टार्ट हुई इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, तो यहाँ पे मिडिल क्लास ने राइज़ किया, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन, और यानी कि जो सस्ती ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ऐसा हुआ। कमर्शियल एयरलाइन की जो क्रिएशन थी, ठीक है ना, क्रिएशन ऑफ कमर्शियल एयरलाइन इंडस्ट्री फॉलोइंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे, एंड द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। अब सस्ती बेसिकली कमर्शियल एयरलाइन हो गया, सस्ती ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और जेट एयरक्राफ्ट 1950 में आ गया, इन सारी सारी चीज़ों की वजह से एक्सपेंशन हुई इंटरनेशनली ट्रैवल के अंदर। तो ये जो ग्रोथ है, इसने क्या हुआ कि न्यू इंडस्ट्री की रीज़न बनी, और वो जो न्यू इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म है, यानी कॉलन डाल के टूरिज़्म लिखा हुआ, टूरिज़्म। इसके बदले में इंटरनेशनल टूरिज़्म जो है बिकम द कंसर्न ऑफ अ नंबर ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट्स। अब दुनिया की बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट्स थी उनका कंसर्न बन गया, और क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि एम्प्लॉयमेंट, ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज इससे पैदा हो रही थी, बल्कि ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का भी एक तरीका था। तो ये बात की गई है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के करीब और जो डेवलपमेंट थी उनकी रीजंस क्या थी, और टूरिज़्म 20वीं सदी के अंदर किस तरीके से डेवलप हुआ। अब सी पैराग्राफ में टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात की जा रही है कि इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है और कितने पैसे वगैरह इससे आते हैं, इस तरह की बात की जा रही है। तो आजकल जो टूरिज़्म है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पोर्टेंस, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, सोशल भी है, और बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के अंदर पिछले चंद सालों के अंदर बहुत तेज़ी से ये जो सा है, ये एरिया ऑफ सर्विस जो सी इम्प्रूव हुई है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री, यानी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर टूरिज़्म
बहुत स्पीड से सर्विस इंडस्ट्री सबसे तेज़ी से बढ़ी है, अगरचे लार्जली अनरिकग्नाइज्ड एज एन एंटिटी इन सम ऑफ दीज कंट्रीज़ इज़ ट्रैवलिंग एंड टूरिज़्म। अगरचे ये बहुत ज़्यादा अनरिकग्नाइज्ड है, लोगों ने इसको अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन ये एक हकीकत है कि ट्रैवलिंग और टूरिज़्म सर्विसेज के अंदर सबसे ज़्यादा आगे है, यानी काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। अच्छा जी, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल की बात करते हैं, वो क्या कहती है 1992 में, वो ये कहती है कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ऑन वर्चुअली एनी इकोनॉमिक मेजर इंक्लूडिंग वैल्यू एडेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अच्छा जी, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है, एम्प्लॉयमेंट भी है, टैक्स कंट्रीब्यूशन भी है। 1992 के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोस आउटपुट है वो बताएगी 3.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है ना, यानी कि इस टूरिज़्म इंडस्ट्री की, और जो कि 12% है कंज्यूमर स्पेंडिंग की, जितने लोग खर्च कर रहे हैं उसका 12%। ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री दुनिया में, ठीक है, ट्रैवल टूरिज्म इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ठीक है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, 130 मिलियन जॉब्स जो सी हैं इसकी वजह से पैदा हुई हैं, और 7% ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, जो कि दुनिया के सारे एम्प्लॉयज़ का 7% है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर जितना भी खर्च कर रहा है उसका 12%, सारे मुलाज़मों का 7%, और 3.5 ट्रिलियन, ये डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर दी जा रही हैं कि टूरिज़्म के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब ये सारी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। दिस इंडस्ट्री इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसिंग ओवर 6% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, अभी एक लीडिंग इंडस्ट्री के तौर पर आ रही है, और 6% ग्रॉस जो नेशनल प्रोडक्ट है, और एंड अकाउंटिंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस ऑफ 422 बिलियन इनडायरेक्ट, 422 बिलियन डॉलर जो उनसे इनडायरेक्ट उसमें आ डायरेक्ट और इसमें आ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा इनडायरेक्ट पैसे भी आ रहे हैं और पर्सनल टैक्सेस भी हर साल लोग इसमें जमा करवा रहे हैं। इसी तरह टूरिज़्म जो सी है इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है वर्ल्ड इकॉनमी के ऊपर भी, और उसका जो एजुकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें भी, यानी कि इफेक्ट, एजुकेटिव इफेक्ट ऑफ ट्रैवल एंड द इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो वर्ल्ड इकॉनमी, रोज़गार और एजुकेशन, ये तीनों चीज़ें किसी भी सोसाइटी के अंदर इससे इफेक्ट हो रही हैं। डी पैराग्राफ में हम बात करते हैं, तो डी पैराग्राफ में कहता है कि हाउ आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री हैव हिडन, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो नहीं हमारे सामने आ रही, और ऑब्सक्योर्ड, वो नहीं, ऑब्सक्योर्ड का मतलब भी ये है कि जो सामने ना आए, छुपी हुई हैं, राज जिसे हम कहते हैं। इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और डाइवर्सिटी की जो फ्रेगमेंटेशन इंडस्ट्री की, ठीक है ना, वो हमारे सामने नहीं है, छुपी हुई हैं। मज़ीद क्या बात करते हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री इंक्लूड्स होटल, इसमें होटल भी हैं, मोटल्स भी हैं, और अदर टाइप ऑफ अकोमोडेशन भी है, रेस्टोरेंट्स और फूड सर्विसेज भी इसमें आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और फैसिलिटीज़ भी आ जाती है, अम्यूज़मेंट भी है, अट्रैक्शन भी है, और बाकी लेजर फैसिलिटीज़ भी हैं, गिफ्ट शॉप्स भी मौजूद हैं, और लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज। अब ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर टूरिज़्म के अंदर आ जाती हैं। सिंस मैनी ऑफ दीज बिजनेस ऑल्सो सर्व लोकल रेजिडेंट्स, बहुत सारी हाँ जी, ये लोकल, ये सारी की सारी चीज़ें, इसका इफेक्ट लोकल रेजिडेंट्स पे पड़ता है, और जो इम्पैक्ट है स्पेंडिंग का विजिटर्स की कैन ईजिली बी ओवरलुक्ड और अंडर एस्टिमेटेड। तो इसका इम्पैक्ट अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो ओवरलुक कर जाते हैं और अंडर बेसिकली माइंड कर जाते हैं कि ऐसा नहीं है, हकीकत में इसको मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गहरा है। मीस 1992 के अंदर वो बात ये करता है कि इसके अलावा पॉइंट आउट, वो ये पॉइंट आउट करता है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री जो सी है इन्वॉल्व, उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं दैट हैव रिमाइंड अमॉर्फस ऑन बोथ एनालिस्ट एंड डिसीजन मेकर्स, मोर ओवर इन ऑल नेशंस दिस प्रॉब्लम हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द इंडस्ट्री टू डेवलप एनी टाइप ऑफ रिलायबल एंड क्रेडिबल टूरिज़्म इंफॉर्मेशन। जी, अब इस स्टडी की बात करते हैं, एक सेकेंड ज़रा। देर इज़ वन वर्ड, अमॉर्फस, और अमॉर्फस का जो मीनिंग है
जी, अमॉर्फस टू बोथ एनालिस्ट, इसका मतलब ये है कि विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप ऑफ फॉर्म। अमॉर्फस यानी कि इसकी कोई शेप नहीं है, इसकी कोई फॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से एनालिसिस और डिसीजन मेकर इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं पैदा कर सकते। मोर ओवर, इसके अलावा तमाम तर कौमों में दिस प्रॉब्लम हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडस्ट्री टू डेवलप एनी टाइप ऑफ रिलायबल एंड क्रेडिबल टूरिज़्म। ठीक है ना, तो कोई भी रिलायबल क्रेडिबल टूरिज़्म इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता, क्योंकि इसकी फॉर्म नहीं है, इसकी कोई शेप नहीं है इस वजह से। और कॉन्ट्रीब्यूशन, अच्छा उसके बाद ये बात करते हैं कि नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमीज़। अच्छा, हाउएवर द नेचर ऑफ दिस वेरी डाइवर्सिटी मेक ट्रैवल टूरिज्म आइडिया व्हीकल्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कंट्रीज़ रीजन एंड कम्युनिटीज़। तो इसकी बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इसकी कोई शेप और फॉर्म नहीं है जिसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल डेटा बनाया जा सके और कोई हतमी राय दी जा सके। अब आखिरी पैरे की बात हम करते हैं जो कि ई है। कहते हैं वंस द एक्सक्लूसिव प्रोविंस ऑफ वेल्दी ट्रैवल एंड टूरिज्म हैज़ बिकम एन इंस्टीट्यूशनलाइज। जी, अब जब से वेल्दी यानी कि एक एक्सक्लूसिव प्रोविंस ऑफ वेल्दी ट्रैवल एंड टूरिज्म, दौलत जो मंद हैं उनके लिए ट्रैवलिंग और टूरिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है या ज़िंदगी का एक गुजारने का तरीका है फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ज़्यादातर लोगों के लिए, दौलतमंद लोग जो उनसे हैं उसके लिए यानी कि एक वे ऑफ लाइफ बन गई है। तो हकीकत में मैकिंटोश जोनसन और गोल्डन, ये दो स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, दो राइटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि टूरिज्म जोनसी है वो लार्जेस्ट कमोडिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड में एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा है फॉर मैनी नेशंस, बहुत सी कौमों के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, एक और वर्ड आ गया कमोडिटी। तो कमोडिटी का मतलब है कि अ रॉ मटेरियल और प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। ठीक है ना, कमोडिटी कोई भी मटेरियल जो आइटम है उस टाइप के हम हिसाब से बात करते हैं। तो यहाँ पे इस रेफरेंस में बात की जा रही है कि ये एक लार्जेस्ट कमोडिटी बन गई है बैनुल अक्वामी तजारत में बहुत ज़्यादा कौमों के लिए, और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर जो उनसे दूसरे ममालिक का, इट रैंक सेकेंड और थर्ड। मिसाल के तौर पर टूरिज़्म जो उनसी है इज़ मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन, अभी तीन चार पाँच ममालिक बताए गए हैं, उसके अंदर बताया गया है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ग्रीस, इटली, स्पेन, बरमूडा वगैरह के अंदर ये मेन रीज़न है, वो लोग कमाए इस चीज़ के ऊपर रहे हैं। और उसके अलावा हॉकिंस, रिची, कोटिंग जी, दो और साइंटिस्ट या रिसर्च स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो उन्होंने डाटा पब्लिश हुआ है अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के अंदर, वो सजेस्ट दैट ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ द नंबर वन रैंक्ड एम्प्लॉयर इन द जी। अब इसमें ये नौकरियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बर्मास, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस में सबसे ऊपर है। ठीक है ना, उसके अलावा नीचे और भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जर्मनी और ये वो तमाम तरह मालिक के नाम दिए हुए। ताहम बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन विच डायरेक्टली अफेक्ट स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल विद एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी टू प्रोवाइड प्रिसाइज। एग्जैक्ट हम मेजरमेंट नहीं दे सकते क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते ना। इसमें तो खाना पीना, मूव करना, इंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, हर चीज़ टूरिज्म के अंदर आ जाती है, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए एग्जैक्ट कोई वैल्यूज़ नहीं दे सकते। अच्छा जी, बहुत सारे केसेस के अंदर सिमिलर डिफ़िकल्टीज अराइज़ेस अटेम्प्ट्स आर मेड टू मेजर डोमेस्टिक टूरिज्म। अब ऊपर वाले डी पैराग्राफ में बताया गया इसकी कोई शेप नहीं, मॉर्फेस है, और नीचे बात की गई, इसी वजह से हम प्रिसाइज और एग्जैक्ट हम इसकी कोई बारे में स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं दे सकते, तो इसी वजह से इसको फिनोमिना भी कहा गया। थैंक यू सो मच।